मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के ऑफिस के सामने अवैध पार्किंग कटनी के बस स्टैंड में निर्मित मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन आजीविका बाजार स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादन प्रदर्शनी के सामने अवैध पार्किंग करने पर बालकृष्ण वर्मा जी का कथन, आजीविका मिशन के स्व सहायता महिलाओं के लिए कलेक्टर के अनुमोदन से पिछले साल महिलाओं को दिया गया था, मगर यहाँ अवैध ऑटो पार्किंग एवं टू व्हीलर पार्किंग कर देते हैं, जिससे कि ऑफिस का गेट भी बंद हो जाता है और महिलाएं यहाँ आती है तो अवैध पार्किंग की वजह से गेट पर उन्हें अंदर आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे नगर निगम को सूचना देने पर अतिक्रमण दस्ता आया एवं अवैध पार्किंग को अलग करवाया गया। सभी को हिदायत दी गई कि अगर दोबारा पार्किंग की गई तो गाड़ियों की जब्ती बनाई जाएगी और कार्यवाही की जाएगी। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की रिपोर्ट। कुमार वर्मा जी, आप क्या किस पद पे हैं? सदस्य सहयोग दल, पता मेरा नाम कृष्ण कुमार वर्मा, सदस्य है युवक दल, और इसमें मैं जनपद पंचायत कार्यालय कटनी में आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्य करता हूँ, जिसमें यहाँ पर आजीविका मिशन के लिए की महिलाओं के लिए, स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए आजीविका बाजार कलेक्टर साहब के अनुमोदन से और मुख्यमंत्री मतलब उनका के उद्घाटन के कार्य में पिछले साल इनको दिया गया, जो आज यहाँ पर अतिक्रमण कर लिया जाता है। हर हफ्ते हम लोग यहाँ से हटाते हैं इन गाड़ियों को, लेकिन अलग नहीं करते, अलग नहीं करते। तो इनके लिए आपने फिर नगर निगम में, नगर निगम में हमने सूचना दिया, जिसके तहत वो नगर निगम की दल की आया हुआ है और उनको हटवाने का पूरा कार्य सहयोग कर रहा है।